فقال عز شانه بسم الله बखर वाला दे तमाम दुनिया तो चले जावन वाले मरहूमीन दे इसाले तमाम परेशान हाल मोमिनिन की परेशानियां रफ़ा फरमाए। तमाम बीमार मोमिनिन मोमिनात में सेहत अता फरमाए। जितने अहले ईमान जो हाजत आरज़ुआ नेक है मालिक तआला पूरी फरमाए। दूर दूर तो आवन वाले अहले ईमान को मालिक सफरा दा भी अजर अता फरमाए। फखर वाले तो जितने मेरे अजीज़ान आशना दोस्त हैं मालिक उनके बच्चे तरास फरमाए। कोरोना दी वबा को मालिक निजात अता फरमाए। रब कायनात तुहाडे फसलां नूं रंग लावे, रोज़ी अच्छी अता फरमाए। यूसुफ गमगश्ते ज़हरा इमाम ज़माना दा जद सल्लल्लाहु बुलंद आवाज़ रब कायनात ओ दाता है जिन्हों देंदे वेले ये फिक्र लायक नहीं होती जो इनू दे सकत मैं के करे वो ऐसा खजाने दा मालिक जैनू खजाने बनावने नहीं पाते, जैनू माल संभाल के रखना नहीं पाते। जैसे खजाने इस वास्ते नहीं मुकते जो उसकी कुन और इरादे दे नाल खजाने आपे बन वेंदे ने। खजाने लैण वाले मुक वेंदे ने, ओदे खजाने नहीं। जदा भी कोई कार खैर करो नाल दूसरे बंदे नूं रला लिया करो। इस वास्ते जो इन्नमल आमाल बिन्नियात अमल दा ताल्लुक नीयत नाल होंदा है। तेरा काम नीयत करना है। वो ऐसा सरमायादार नहीं जो सरमाया वेख के वंडे जो हर कहीं पूरा आवे। जे लैण वाले वध वंजन ता कहे दे हिस्से चो कटौती करके देवे ना। ओदे खजाने इतने हैं जो जितना ओदा इरादा वधदा वने ओदे इरादे नाल ओदे खजाने वधदे ने। अल्लाह पाक सारे अहले ईमान जेडे बखर वाले ते फौत होए ने उन्हां दी मगफरत फरमाए। मालिक उन्हां दी कब्र नूं रोशन मुनव्वर बे नूर अल हुसैन फरमाए। सुबह नाश्ता पे करदा सा मेरा बानी मेरे कोल बैठा। दो गल्लां सिर्फ उसके उन्वान से मैं गल्लां मुख्य भी सुना सकता, लेकिन जरूरी नहीं है उससे भी हसरत या उससे दे दिल का एक सिलसिला होवे। होर लोगों के दिल च मुमकिन है बात होवे। दूर दूर उरा परा दिल से वन सुनने बुढ़ियों मखलूक होमनियाँ पढ़ने वाले भी बड़े होमने, मजमे भी बड़े आ जाने। बस आप मजलिस करावनी तो बंदे ना बने। सुनना ने भी ना आना मजलिस मजलिस भी न समझना। वह तो सोचना भी मैं मजलिस कराइए साड़ी मजलिस से तो बंदे नहीं है। एक सोच का जवाब तो समझो दो। इस अल्लाह दी कायनात दे आला अरफा आजम अशरफ अकरम पाकीज़ा तरीन शख्सियात होते हैं पैगंबर जेडे अल्लाह दे नबी हैं। उन्हां दे विच कोई कमी कोई नक्स कामिल तरीन अफराद होते हैं। ओ अल्लाह मुआशरती लिहाज नाल भी मुआशरे के सारे हकूक अदा करते हैं। अखलाक के लिहाज नाल भी बुलंद पाया है। हिम्मत के एतबार नाल भी हिम्मत बुलंद होती है। जिंदगी के लिहाज नाल भी जिंदगी सादा होती है। लोगों को तकलीफ पहुँचावन के दर पे भी नहीं होते। इंसानियत के तमाम हकूक अदा करते हैं। अल्लाह के हुकूक दे भी पाबंद होते हैं। अपने मिशन के नाल भी मुखलिस होते हैं। जिमें हाफिज साहब बयान पर फरमाते हैं अपने मिशन नाल मुखलिस होते हैं। हत्ता कि कोई अगर उन्होंने मिशन का तलबगार न हो गया। कुछ 6 महीने पहले मौलाना अब्दुल सैद साहब ने मैंने मजलिस लिखाई बस बार ताकीदा भी हुई। हत्ता कल भी दोबारा हाँ जी फिर आ जाना जरूर है जी मेहरबानी करे जी कि लिया सो जी। उन्होंने कोई बुलांदा भी ना उन्होंने कोई दावत भी ना देता। वो आवे ना तो उन्होंने सवारी नो पट्ठी कोई ना गदा। कुछ ऐसे शहर च जिथे मंगण के बावजूद तलब के बावजूद नानू बंदे मेहमान भी हत्ता अतया अहल करियत मिस्ततअमा। कुरान करीम की वाज़े आया मुबारक के 2 नबी हजरत मूसा और हजरत खिजर एक बस्ती के कोल आए। इस्ततअमा उन्होंने फरमाया भुख लगी है कुछ खावन की दो। फअबौ अन युज़य्यिफूहुमा पूरी बस्ती चू 2 पैगंबरां को कोई बंदा मेहमान ठहरावन वास्ते तैयार ना। अगली गल इस थोड़ी दिलचस्प डिठा फरहा जिदारन युरीद वहीन कज़ा जेड़ी बस्ती वाले उन्होंने रोटी खाना ना दिता उठाई एक कंध ढाती पई है। बर्बाद थी बंदे हजरत खिजर फरमाया हजरत मूसा आओ चलो लंगोटा हटो गारा बढ़ाओ दीवार उसारनी। हजरत मूसा एतराज किया फरमाया भलो शेत लत्तखस्ता अलैहि अजरा। एकता उसे बस्ती वाले दी नहीं जिन्हें सानू खाने नहीं दिता ये कोई पैसे मुका कोई पैसे पैसे मुकाइया विकास बढ़ा देने कितने पैसे दे भलो शेत लत्तखस्ता अलैहि अजरा इदी के उजरत ले ले चलो कोई बाजार चो रोटी वोटी खा लवा या कद खड़ी कर देती। ते बाद इच दस्या मामला अल्लाह ले पासे चलदा है। जेडी दीवार आ ना जो क्यों बने ना कानत ले गुलामैन यतीमैन फिल मदीना। ओ दीवार हाई 2 यतीमां दी ते ओ थल्ले पे खजाना फकाना अबूहुमा सालेहा प्यो हाने नेक फअरादा रब्बुका यबलुगा शुद्दहुमा तेरे रब का हुक्म आ जो उन्होंने वड्डे होवन ताई दीवार बना दो जो बाद विच अपना खजाना कढ ले सन। इलाही कम इंजों दे जो नबियां दे पास ही बंदे घट आंदे आए ते अल्लाह वाले एडे मुखलिस होंदे जो कोई रोटी न देवे तो ना दी कथा उसार छोड़ दे। तो जड़ा बंदा है जो नमाज है पढ़िया पढ़िया बंदे चीख रहे हैं पर कोई मसा नहीं आया। जिंदगी इन्नी टावा टावा गुजरी है तो वही सोच ले जो अल्लाह का खाता लंबा होता है। बाज औकात कहती नेकी का असर 70 पुश्त तक चलता है। अल्लाह की जात ने उन्हें बच्चों के नेक प्यो की वजह तू हिसाब करी प्यो की नेकी की वजह तू अल्लाह 2 पैगंबरां कोलों कथ बढ़वाई। इतना बाप क्या हा इड़ा कह वेले आदियो जी फिर वो हजरत नूह एडे मुखलिस आए लेकिन कुरान जब मा आमन माहू इल्ला कलील। नूह ते कलमा पढ़ने वाले बंदे थोड़े हैं। क्यों हजरत नूह च केड़ी कमी है? कोई कमी? ये इंसानी मिजाज होता है जेड़े पासे ओनू उसके मिजाज का माहौल लभे उते फैंदा है। जिदे उसके मिजाज का माहौल न लभे उदे नहीं मिलता। हुण तेरे कोलों उनवान हो गया है मोमनियत का। जो मोमनियत का उनवान क्या है? मोमनियत का उनवान है बड़ा धस के मातम करना, ऊंचिया ऊंचिया कूका मारनिया, लंबे लंबे नारे मारने, मांगे मांगे जाकिर सड़ने, उन्हों का बोझा मंड के बाहर छोड़ना। भावे शिया मजदूर के घर शाम वेले आटा ही पूरा ना पिया होंदा होवे ते पता होवे जो दुध नहीं लेंदे निमाशे बाला नूं नहीं देंदे जो मजदूर दी मजदूरी पूरी नहीं होंदी ओनू पैसे ना देवणा ते जैंदा पता होवे जो 50-60 लाख दी गड्डी ते चढ़या वदा ते निमाशे दी हाड़ी भी 2.5 लाख दी लेवे सी ओनू अल्लाह दी रज़ा हासिल करण वास्ते मोड़ बोझा भार छोड़ना। जागदे बैठो मैं गल समझावणी हुण मोमनियत दा मयार क्या है? और साढ़े को तकरीबन मोमनियत की जरूरत ही रह गई है। बड़ा सारा जलसा करावना, नामवर जाकर सड़ावना, विच पटाके भी फाड़ देवना, कुछ पैसे ऐसा देवना जो साड़ी मजलिस का रंग उत्ते लगा जाए तो कुछ उन्हें देवना जेड़ा अपनी मजलिस उत्ता छाड़नी होती है। एक कारोबारी मखलूक का भी नाल होना बात उन्हों की रोटी भी जिम्मे होना, नारे उच्चे उच्चे मारना, मातम धस के करना, कूका लमिया लमिया मारना, मसीद नूं हरीरा वेखना, वुज़ू दा वादना आवना, नमाज़ एक ना पढ़ना ते मोमिन सड़ावना। मैं उसको पूछया नहीं जेड़े दिल से तो बता घबराया उसे बड़ी मखलूक है मखा उठे कहीं दोपहर बाकी दिती आई। उठे कहीं जमात होई है, उठे कहीं साफ बिछाई है, उठे दस्तरखान तो बिछिए, उठे लंगर वास्ते ता चटाइयां बिछाइयां नहीं हैं, उते बकरे तसीबा होए न उते देगा त खड़कियां न उते लंगर त फंडिया गया है लेकिन अजान दी आवाज भी बुलंद नहीं हुई, जमात भी कह नहीं कराई, नमाज भी कह नहीं पढ़ी। जेड़े पढ़न वाले नतीजा कोशिश है जो अगे कोई पढ़दा वदा है तनु शक के गत के हुआ ही छुड़ा। उसे तो ही राय बनी से तो याद रख दोस्त मेहरबान मेरी बात पहुंचे बेशक मेरी बात उठो तक पहुंचा देवे जेड़े मेरी ते सुणन नहीं है कह मैं फिर मिल पौनी तो उन्होंने पहुंचा देवे और जरूर पहुंचाए कि अगर तेरे नजदीक मजहब अहल बैत दा इहो कुछ तारुफ है जो धस के मातम करना ऊंचा ऊंचा रोवना जाकिर ना बोझा भार छोड़ना अली अली करना ना कोई रोजा ना कोई नमाज ना कोई ज़कात ना कोई खम्स ना कोई हराम ना कोई हलाल याद रखे किसी पागल नजरिए के मुताबिक हो सकते अहल बैत के पैरोकार ऐसे नहीं हो दुश्मन अली का दुश्मन नहीं था सजने वास्ते जो तेरे को मजलिस छोड़ना में दता है तई 12:30 बजने ते तई मौलवी दे पढ़ना कर वेखड़ा में बस करे जो अजान दा टाइम होया है तई मुसल्ला में चावड़ा मोमना दी तो ई नो वडड़ी नमाज दे आती नहीं तोर फिर के मेला वेखड़ा दी मखलूक के नमाज पढ़नी हो नमाज दे आती नहीं तई मुसल्ला में चावड़ा पढ़नी उना काई नहीं लिहाजा वो ऐसे माहौल में जान वास्ते तैयार है ये उन्होंने शौक के खिलाफ है एक दिन आ के तो साढ़े के कमी है जो कमी हो गया तो वतनू उधर क्यों है नहीं है हजरत नूह का कलमा पढ़ने ते सक्के चाचे पैगंबर दी मुखालिफ तमाम अंबिया दा सरदार नबी नु भी आखिर दे अल्लाह फरमाता अल्लाह का बाखिर नफ्स का अल्लाह यकूनु मुमिनीन मेरा पैगंबर एडा क्यों वेंदा घबराना है ए दिल नो क्यों चलाई है ई हां नु चलाया है जो मोमिन क्यों नहीं बढ़दे वल्ला अल्लाह का बाखिर नफ्स का अल्लाह यकूनु मुमिनीन ते मालिक फरमाता जो मैं भी खाम खाम मोमिन बनावने होवे ना इन शान नसल अलैहिम आयतन अगर चाहे तो हम अभी एक आयत नाज़िल करें ये सारे के सारे सजदों में गिर जाएं लेकिन मेरा नबी मैं जोरी डाल के मोमिन बनावण वास्ते कानून ही नहीं बनाया जेड़ा आवे सिनान के आवे पहले मैंने पहचाने मैं कौन हूं मेरी अजमत क्या है मेरा मुल्क क्या है मेरी किबरियाई क्या है मेरा मकाम क्या है घबराए ने बेटी ए हां सर घबराए घबराए मोमिन नु जवाब एड़ा मौत नाश्ते दी मेज ते भी दे सकदा मत के पता कई होते फिरा होर ही वदे हो मैं मिंबर से अर्ज कर देता याद रखो कि किसी और मैं अपनी तकरीर शुरू की थी मैं अपने वक्त में छोड़ दे सा कि मेरे बात पढ़ने वाले उनका टाइम दे सा किसी ही दुनिया ते रहण वाली अकलमंद मखलूक दे नजदीक कीमती तरीन चीज सरमाया हो और किसी दी इज्जत वकार और किसी दा मकाम भी सरमाए दे नाल होंदा बस सरमाए दी दो किस्मां होंदी सरमाए दी दो किस्मां होंदी एक सरमाया होंदा जेड़ा नाल खर्चींदा रहे और नाल कम चलता रहे एक सरमाया होंदा जेड़ा महफूज रखा जाए जो औखे वेले कम आवे जेड़ा सरमाया औखे वेले कम आने वाला होवे ओ सरमाया बाकी सारे सरमाया तो कीमती होंदा मुमकिन है कि बंदे को गाय भी खड़ी होवे मच्छी भी भेड़ा भी बकरियां भी जिंस भी पई होवे गंदम चने जिवें जिवें जरूरत आंदी जावे उन्हें खर्च करता जावे लेकिन अगर किसी खातून दे कोल एक चूड़ी सोने की होवे तो आखिर ते ओ फरोख्त करसी जेड़ी शायद पता हो चुए डाडी औखे वेले काम आंदी ते औखा वेला केड़ा ना होंदा है औखा वेला ओ होंदा है जेड़े बंदा उक्का कल्ला रह वने ते कोई भी बंदे दा साथ देवन वास्ते तैयार है वाह वाह कैस तो औखा वेला कोई होंदा सोच लो औखा वेला केड़ा होंदा है जो बंदा उक्का कल्ला होवे कोई इमदादी बंदे दा ना होवे कोई रास्ता नजर ना आवे कोई चारा ना होवे उससे ले जेड़ा सरमाया काम आवे और हर कोई पसंद करदा है ए जदा कबर दी जमीन ते सब वेना है ते ताहे च ले वेना है उसने न धिया न पुत्र न रिश्तेदार न अजीज इस तो औखा वेला कोई होंदा कबर दे विच लथी होए बंदे दा कोई औखा वेला इस तो ज्यादा होंदा है जेड़ा बंदा कबर च ले गया है वैसे गल तां दस्या है ए जेड़े बंदे नु कबर च ला आंदे हो वक्त दा ए वी वादे जवान के पता कीता ने जो पता नहीं उदे नाल की बणी पूर जो आया से पता नहीं उदे नाल के बणी गुलाम अब्बासी में पुला साले इकबाल नाफल वंजेना सारी रात उदे रिश्तेदारां नूं नींदर नहीं आती जो साडा छोर गया ढकी पता नहीं उदे नाल के बनी जेड़ा थाने ढकी गया उदे वास्ते नींदर नहीं आती जेड़ा कबारे ढक आया उदे भी कदी ख्याल रखिया कीमती तरीन सरमाया जेड़ा कबारे चिकामा आंदा है ओदा नाम दीन है कीमती तरीन सरमाया जेड़ा किथे काम आना इथे होर बंदा काम इथे मुमकिन है इथे डड्डा गावे का टिब्बे दे नाल प्यासा भुखा तो कोई लगता बंदा इराम करे सिया नजर तांदा पिया ज़ालिका बिमा वस्सा बिही इब्राहीम बनी है व याकूब तुहानू ओ गल पे दसने आए जड़ी इब्राहीम अपने पुत्रां नू आखी जड़ी याकूब अपने पुत्रां नू आखी क्या इन्नल्लाह बनाया गए अल्लाह पैगंबर आप से बनाएगा किदाई कोई हिक बनाया होने मत सोच लो बाबा दीन अमानत है नमाज दीन दा सतून है जिन्हें दीन अर्श तो लथा है नमाज उन्हें अर्श तो लथी है जिन्हें लथी है उन्हें पढ़े ताली राजी है कोई हेरा फेरी कितियोई तवत अली राजी इनमार अमानत है अर्श तो लथी है पाक पैगंबर जदा मक्के चो मदीने आए तो उसने किबला हा बैतुल मुकद्दस ओ हा शुमाल अल पासे मदीने दे विच काबा हा जनूब वाले पासे जिधर ते मक्के रहे उथे ते काम चल वेंदा काबे दी तो खलो रहंदे है काबे नु भी मूंह हो वेंदा बैतुल मुकद्दस नु भी हो जांदा हुन जिदा मदीने आए हुन बैतुल मुकद्दस नु करनी आई कांड जे अगर काबे नु मूंह करन ता जे काबे नु कांड करेंदे हैं तो बैतुल मुकद्दस नु मूंह होंदा जो बैतुल मुकद्दस नु काम करेंदे हैं तो काबे नु मूंह होंदा हुन एक पासे कांड करनी पौंदी है ते दिल्ली दिल इस काबे दी मोहब्बत आदिया ने जो कदी यो काबा बन वने आना किबला पूरे 2 साल बैतुल मुकद्दस देर मुंह करके नमाज पढ़ी रखी ने ये निन्ने आख्या मेरा जो दिल आता है तो काबा अल्लाह का घर है तब मैं उदे मुंह चकरा तब की हो वैसी तब कोई गुनाह हो वैसी ना मेरे पैगंबर भी दसिया है कि दीन अल्लाह के हुक्म का नाम है इजाजत दे तो कर वैसे क्या ख्याल है हजरत काबे इधर मुंह चकरे ना साथी मखलूक और खान लोग तनियो जी गल्ला करे देन हजरत मौला अली दा ना जो आवे जे नमाज है तो कोई गुनाह है जे पैगंबर ही मुंह चकरे ना काबे ले पासे तो कोई गुनाह कुरान दा कदरा पता है तू अर्श वाले पासे बार बार बहनाएं जो हुकुमा अवन्यते मकाबे अले पास से मुंह करके नमाज पढ़ा कहता मेरी मर्जी हो सी करे साहल उदाई पढ़। बसाने सवाली अले शुमार हुआ बंदे ताने नहीं देते मेरे पैगंबर ने मेरे पैगंबर यहूदी ताने देते हैं मैं नबी ते नमाज तमोड़ी साढ़े किबले तेरे खला पड़ता है बहुत अच्छे होशियार रहा कर घड़ी अल्लाह दीनी कुवत आउंदी है ना और कमजोर पहलुओं तो इस्तेफादा कर कमजोर पहलुओं तो इस्तेफादा बहुत सारे बेदीन लोग गरीब लोग आते भूखे लोग गुनाह से आमादा कर लेते ते अगर वे किन कोई दीन दा गरीब है जेड़े कोई इल्म कोई नहीं इल्म दे गरीब लोगों नु ढेर बंदे गुमराह कर देते मतलब जेड़े नमाज अमानत है नमाज अमानत है इस मोहब्बत दी वजह तो पढ़ने मौला अली दी मोहब्बत दी वजह तो सद शौद चली और वलीउल्लाह पढ़ने मौला हसन नु ढेर मोहब्बत आई अली नाल यतैनु पढ़िए जी में अली दे जाना पुत्रा पढ़िए जी में बतूल पढ़िए जी में मौला अली दी हदिया पढ़िए जी में करबला हुसैन पढ़िए जी में टिब्बत हुसैन पढ़िए जी में 12वीं सरकार तक पढ़ींदी आइए जी में नजर फशरफ पढ़ींदी पईए जी में गोमच पढ़ींदी पईए जिमें अली का पुत्र सिस्तानी बैठा पढ़ता है जिमें हसन का बेटा अली खामनाई बैठा पढ़ता है जिमें हुसैन का नौकर हाफिज बशीर पे पढ़ता है जिमें जाफर सादिक के मकतब का लिखारी मोहम्मद हुसैन नजफी पढ़ता है नमाज उसी तरह परेशान न होया करना चाहिए इन अल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन अल्लाह ने तोड़े वास्ते एक दीन चुने है फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून मरते तक मुसलमान रही इस्लाम तो ना हटी। हाँ भाई तोड़े नजदीक कीमती तरीन सरमाया केड़ा है सोच लो दीन तू चाहता है ना भाई दीन दे तेरे को राज हो ते जो दीन दा राज है तो वह दीन तो सरमाया बनाने वास्ते कितने काम करे ना है कदा सवेरे सवेरे उठी के मंजियां खड़काइया नहीं उठियो 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 नमाज नमाज दीन दा सतून है दीन दे थंबे दा टाइम हो गया उठो कदा बीवी जगाइए उठे नमाज पढ़ उधर ता पावे नु लगता खला मरे ना उठी दूध सिंधी भाई मैं नाश्ता नहीं दिता मैं काम ते पढ़ना नाश्ते वास्ते जगाई ना नमाज वास्ते मुश्किल है नाश्ते वास्ते जगेंदा है नमाज वास्ते कंबदा है। मेरे को एक बंदा आया गुलाम बास उसके बोल से हैरान हो गया नमाजी और गुजर तो पक्को और जिथे उलेदा मस्जिद बच के नमाज पढ़ता ना मेरी अधिया नमाज पढ़ती है ना मेरे पुत्र आँख आँख थक पिया मैं झट तो चुप बैठा रहो पीछे पुछो मकान वेड़े कौन कौन नमाज पढ़ता है मगर तेरी सवारी अल्लाह ना भुलाए तो मैं मुसल्ले ते वही डिठी मैं परेशान होने की केड़ी गल है हैवान जड़े हैवान दा दूध पीवे को बोझे हो वेंदा है जेड़ा बाल जी हो जई मां दा दूध पीवे को बोझे हो वैसी जेड़ा बे नमाज मां दा दूध खाले पींदे नमाज किदू पड़े जे दीन नाल मोहब्बत ही ता घर च नमाज वास्ते रोला पा पुत्रा दी नमाज चेक कर धिया दी नमाज चेक कर स्कूलों हट के आए नी ना पुछ पहलू खाना देवा या पानी देवा उन्हां दे कोलों पुछ मुसल्ला देवा नमाज पढ़ी ने या ने पढ़ी हिसाब कर तेरे धियां तेरी नमाजी है तेरे पुत्र नमाजी है तेरे यार नमाजी है तेरे दोस्त नमाजी है तेरे गवाढ़ी नमाजी है तेरे लैन दैन आले नमाजी हैं तो आप नमाजी हैं कितना सारा नमाजी है इसलिए नसरात पढ़े साइड कोई जो नहीं पढ़ता भाई घर आया कर अपने घर ना बड़ों में घर भरी गया है रिश्ता बड़ा हो गया है कमरा फिर लहे कोई नहीं होके दो कमरे सब मर वास्ते बए बने इट्टो जहेज दिता है साढ़े छुआर दे सावरिया जो कोठे सारे जहेज नाल भरी गए दो त्रै जड़े सिर तले की रखे दो चौदे बाद वेखे जड़ी इतना जहेज ले ये नमाज ही पढ़ती तेरे घर च नमाज भी आई दयानतदारी दी पहली निशानी नमाज बैनल अब्द वल कुफ्र अस्सलात पैगंबर फरमाया देखना होवे बंदा मुसलमान है या काफिर है लाडो मियां अली अलदर काफिर है बंदा मुसलमान है या काफिर है तो क्या देखो देखो जो नमाज पढ़ता है तो मुसलमान है नमाज नहीं पढ़ता था जन्नत में कितने बंदे आशिक बैठे मैं आशिक पूछे मैं तलबगार नहीं आख्या मैं आशिक आख्या नमाज जन्नत में कितने लोग शौकीन हो चलो एक मेहरबानी करे मत क्या जो कल वनो या नाल बाल ही वजने बीवी वने और किताबत है अमूल से ही निगोरा पर रखी था जड़ा आशर मेरा कितनी गली है लोगों ने तो कर दिया। एक सलवात पढ़ो जड़ा जड़ा ने मैं जन्नत जाना है ते आके मैनू जन्नत दी ख्वाहिश बड़ी झोली पाइया मैनू तेरा सार देता जो कोई नहीं। इताई पूछे मसला सजाद अपनी मर्जी क्यों पढ़ाइंदे नमाज का टाइम हो वेंदा है मैं अव्वल वक्त नमाज पढ़न दी आदी आ आबिद मेरी नमाज दे बारे क्या हुक्म है फरमाया फुफी तो थाई उठ दी कांड ते पढ़ छोड़ी सजाद पानी तो वजू वास्ते होंदा कोई नहीं उते वजू भी ना कर सकदी फरमाया ते उठ टुर दे ना फुफी ऐ जमीन दी मिट्टी उड़ के उठा दी मिलस च हट जाती है इताई उठ दी मिलस दे उत्ते चा कीता कर तयम्मुम नमाज पढ़ ले कर आबिद उठ दा मुंह कहे ले कहे पासे कहे ले कहे पासे फरमाया फूफी परेशान ना हो अल्लाह दा काबा जाने ज़ैनब की नमाज उठाते सवार आए कलियां नाए सारिया बीबियां आखे बीबियों जेंदे जेंदे बच्चे बच गए ने अपने नाल सवार हर बीबी का बच्चा हर बच्चा अपनी अपनी मां दे नाल सवार होए समझ आ गई होई मेरी मजलिस दा जुम जुम लाए हर बच्चा अपनी मां हुसैन दी धी भावे माना दा सली दी धी अपने नाल सवार कीते फुप्पी भतीजी हिके उठ के सवार माहिर कारी वर्गी तिलावत करे आप फुप्पी दे चेहरे दी इंतजार करे जो सवाल दा मौका मिले एदा थोड़ा जिहा फुप्पी दे चेहरे ते सकून सवाल मसाइब दा पहाड़ उससे ले आख्या फुफी अम्मा रज न होए तां इक गल पुछ लई बीबी आख्या